का खास मैनेजमेंट जुड़ गया है हमारे साथ अब सेंचुरी प्लाई बोर्ड्स के ईडी केशव भजन का है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर केशव, क्योंकि होम इम्प्रूवमेंट थीम एक बहुत बड़ी थीम है और आपसे लगातार आफ्टर क्वाइट फ्रिक्वेंट इंटरवल आपसे बात करते रहते हैं ताकि हमें पल्स मिलती रहे आपके केपेक्स प्लान को लेकर। हालांकि थोड़ी सी जरूर कुछ चैलेंजेस एमडीएफ एक्सपोर्ट को लेकर देखने को मिल रहे थे, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो, और वो भी एक रीज़न है क्योंकि ग्लोबल स्लो डाउन, ओवरसीज बिजनेस थोड़े से स्लो, लेकिन एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल साइड से भी, कच्चे माल की तरफ से भी आपको रिस्पाइट देखने को मिला। ओवरऑल इस वक्त डिमांड और सप्लाई का सिनेरियो कैसा चल रहा है? गुड मॉर्निंग, धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। हमारे सारे कीपेक्स प्लान ऑन ट्रैक है और जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि होशियारपुर की हमारी कैपेसिटी बहुत जल्द जो एडिशनल कैपेसिटी शुरू हो जाएगी, तो आई थिंक विद इन द नेक्स्ट वन मंथ वो कैपेसिटी शुरू हो जाएगी एंड इससे हमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा क्योंकि एमडीएफ में हम आज के दिन पे 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं और बॉटलनेक फॉर ग्रोथ इज कैपेसिटी। हमारी जो आंध्र यूनिट है वो भी ऑन ट्रैक है, वी हैड कमिटेड एच टू नेक्स्ट ईयर एंड आई एम श्योर दैट द अर्ली पार्ट फेज टू नेक्स्ट ईयर हम इस लाइन को डिलीवर करके देंगे। आपने जो मैक्रो साइड पे कुछ चैलेंजेस बोले, देखिए डोमेस्टिक डिमांड तो अभी भी रोबस्ट है, आगे जाके जब नई कैपेसिटीज आएंगी तो मार्केट में थोड़ा चैलेंज आएगा, बट वो भी चैलेंज साल भर के लिए या डेढ़ साल के लिए मैक्सिमम चलेगा क्योंकि डिमांड 20% से ऊपर हर साल बढ़ रही है, तो इस इंडस्ट्री पे हम बहुत बुलिश हैं एंड इंडिया की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है उसको देखते हुए और हाउसिंग इन पर्टिकुलर में जो बढ़ोतरी आ रही है उसको देखते हुए वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये शॉर्ट टर्म हिकअप्स आ भी जाए तो इसका कोई मीनिंगफुल इम्पैक्ट नहीं रहेगा। ठीक है मिस्टर पचंका, एक चीज़ आपसे और पता करनी थी, क्योंकि आप मार्केट लीडर हैं प्लाई के अंदर और ये बड़ा बाजार जो है ना इसमें अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर बहुत बड़े हैं, अगले एक डेढ़ साल दो साल के हिसाब से, मैं विजन के हिसाब से समझूं, आपको ऐसा लगता है कि ये अनऑर्गेनाइज मार्केट थोड़ा श्रिंक होगा और ये श्रिंक होके आपके अकाउंट में आने वाला है, क्योंकि आप तो सबसे बड़े प्लेयर हैं, मार्केट सबसे पहले आप ही कैप्चर करेंगे? बिल्कुल, देखिए उम्मीद तो यही है लेकिन प्लाईवुड में एक प्रॉब्लम होता है क्योंकि बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है तो नंबर्स अनऑर्गेनाइज के लिए कैप्चर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, बट आपने देखा है कि पिछले दो साल में हमारी ग्रोथ बहुत स्ट्रांग रही है और डेफिनेटली इसका कुछ पार्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी आया है। आई एम श्योर कि इसके पीछे रियल एस्टेट ग्रोथ का भी बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में ट्रांजिशन हो रहा है वो डेफिनेटली ऑन ग्राउंड उसकी विजिबिलिटी है, कस्टमर्स भी अब अपने प्रेफरेंसेस चेंज कर रहे हैं और शायद ये कोविड की वजह से जब लोगों ने देखा घर में सस्ता माल यूज करने के कारण प्रॉब्लम्स आए, इश्यूज आए, तो वो कंज्यूमर्स अब डिसाइडेड है कि आगे जाके ये गलती वापस नहीं करेंगे। दूसरे एंड पे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उस पर एमडीएफ भी बहुत प्रेशर डाल रहा है, एमडीएफ में सेंचुरी में जैसे प्रीमियम प्लस कैटेगरी है हमारी तो उसमें फीचर्स बहुत बढ़िया है और मैं कहूँगा कि ये प्रोडक्ट अनऑर्गेनाइज प्लाईवुड से तो काफी बेहतरीन है, आप उसको सेंचुरी प्लाई के टॉप रंग से कंपेयर नहीं कर सकते हैं लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कंपैरिजन में इट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, तो दोनों एंड से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर काफी प्रेशर बने रहेगा। ऑल राइट केशव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। ये थे केशव भजन का, सेंचुरी प्लाईवुड्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और इनकी शानदार फैक्ट्रियों के विजुअल्स आप देख रहे थे, कंप्लीटली ऑटोमेटेड, और अब पुराने ज़माने में कटिंग नहीं होती है, अब कम्प्लीटली ऑटोमेशन एक इंडियन फैक्ट्रीज के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है और इनकी फैक्ट्री भी ऐसी है।